नमस्कार, मैं अप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के लिए पहले से ही यह गौरवान्वित करने वाली बात रही है कि बिहार से निकले ईशान किशन आज भारतीय टीम का एक अहम हिस्सा है। वहीं अब बिहार का सीना और ज्यादा गर्व से फूलने वाला है क्योंकि बिहार के ईशान अब वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। उन्हें टीम में अतिरिक्त विकेट कीपर के तौर पर चुना गया है जबकि ऋषभ पंत टीम के मुख्य विकेट कीपर होंगे। सबसे खास बात यह है कि आगामी मैच में ईशान किशन खेलने वाले हैं। बिहार से ही निकले कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। जी हां, आपने सही सुना। जहां एक तरफ इस बात की खुशी तो है कि महेंद्र सिंह धोनी इज बैक, वहीं इस बात का अलग जश्न है कि ईशान किशन इज आल्सो बैक, क्योंकि अगले महीने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम में पहली बार पटना के ईशान किशन को जगह दी गई है। वहीं रविचंद्रन अश्विन की सीमित ओवर में 4 साल के बाद वापसी हुई है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सरप्राइज भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है, जिन्हें टीम इंडिया में मेंटोर के तौर पर शामिल किया गया है। ज्ञात हो, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम के मेंटोर होंगे, जिसकी पुष्टि BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि धोनी ने पिछले साल 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही धोनी IPL के अतिरिक्त हर तरह की क्रिकेट से किनारा कर चुके थे। वर्ल्ड कप के लिए टीम से जुड़ने से पहले धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL में नजर आएंगे। जानकारों की माने तो उन्हें सीमित ओवर की क्रिकेट के लिए कारगर रणनीति तैयार करने के उनके अनुभव को देखते हुए इस भूमिका के लिए चुना गया है। वो जानते हैं कि ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में जीत दर्ज करने के लिए किस तरह से योजना बनाई जा सकती है, जबकि कोहली अभी तक ICC टूर्नामेंट में टीम को कोई भी ट्रॉफी नहीं दिलवा सके हैं। इसके तहत अब जिस टीम की घोषणा हुई है उसमें विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी जैसे नाम शामिल है। आपको बता दें, ईशान किशन एक भारतीय प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर जो झारखंड के लिए खेलते हैं। उन्हें 2016 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। ईशान एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर है। वहीं फिलहाल ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस खबर के साथ ही बिहार में भी खास जश्न का माहौल है। ईशान किशन के परिवार वाले इस बात से बेहद खुश है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा उनके बेटे ईशान किशन बनने वाले हैं, जिसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय टीम आगामी T20 वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन करे और जीत दर्ज करे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।